तो मैं शादी रोकने के लिए यहाँ आई हूँ। शादी करे खातिर आयल बना ना, सारा गलती हमरा पर थोपले बना। बिहार के छपरा में 28 नवंबर को एक शख्स शादी करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर पहुंचता है। जिस लड़की से शादी होनी थी वो भी अपने परिवार के साथ मंदिर में थी। अभी शादी बस शुरू ही हुई थी कि अचानक एक महिला मंदिर में आ जाती है और उसके बाद लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। वो महिला चिल्लाती है, चीखती है, लड़की के घर वालों से नोकझोंक होती है। फिर उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है। मंदिर में जैसे ही पुलिस आती है, लड़का ये देख कर फौरन वहाँ से फरार हो जाता है। हुआ कुछ यूं कि 28 तारीख को पंकज शाह नाम का एक शख्स दूसरी शादी करने के लिए मंदिर पहुंचा था, मगर उसी वक्त उसकी पहली बीवी मंदिर आ जाती है और फिर वो अपने पति को खूब खरी खोटी सुनाती है, अपने सास ससुर को सुनाती है, अपनी ननद को सुनाती है। मामला हैरान करने वाला है, लेकिन मामला ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कोई शख्स सिर्फ इस वजह से अपनी बीवी को छोड़ सकता है और दूसरी शादी करने के लिए गाजे बाजे के साथ पूरे परिवार को लेकर मंदिर पहुंच जाता है दूसरी शादी करने। हुआ कुछ यूं कि पंकज और बबीता नाम के इन दोनों लोगों की शादी करीब 2 साल पहले हुई थी। शादी के 6 महीने तक तो दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चला, मगर शादी के 6 महीने के बाद पंकज देखता है कि उसकी बीवी के सर पे सफ़ेद बाल हैं। बस फिर क्या था, पंकज का गुस्सा एकदम सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। वो अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा करता है, यहाँ तक कि जो बबीता है उसका आरोप है कि उसके सास ससुर भी उसको ताने कसते थे उसके ऊपर। वो बोलते थे कि तुम्हारे परिवार ने हमसे ये बात छुपाई कि तुम्हारे सफ़ेद बाल हैं। इन दोनों के बीच लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। कई बार ऐसा भी हुआ कि लड़की के घर वालों ने बैठ कर दोनों के परिवारों में बीच में बात भी हुई, लेकिन कोई मामला सुलझ नहीं पाया। अब मामला बढ़ता चला गया। अब इसी बीच पंकज की शादी जब बबीता देवी से हो चुकी थी, उसके 2 साल के बाद ये सब चीज़ें, मतलब 2 साल ही हुए अभी शादी को और 6 महीने के अंदर ही ये लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। इसी बीच क्या होता है कि बबीता अपने मायके आ जाती है और उधर जो पति पंकज है और उसके ससुराल वाले पंकज की शादी के लिए दूसरी लड़की देखना शुरू कर देते हैं, शादी भी तय कर देते हैं। और उसके बाद पंकज अपने रिश्तेदारों के साथ दूसरी शादी करने के लिए सोमवार यानी कि 28 नवंबर को मंदिर भी पहुंच जाता है। मगर किसी तरह से इस बात की भनक जो है उसकी पहली बीवी बबीता को लग गई। फिर क्या था, जैसे ही बबीता को इस बात की जानकारी लगी वो फौरन मंदिर पहुंचती है। पहले तो अपने पति से पूछती है, अपने ससुराल वालों से पूछती है कि जब पहली बीवी जिंदा है, अभी मैं हूँ, हमारे बीच में लड़ाई चल रही है, उसके बावजूद आप अपनी बेटी की शादी करा रहे हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि सैकड़ों लोग उस मंदिर के अंदर आ जाते हैं। लड़ाई झगड़ा जब इतना बढ़ जाता है कि वो लोग देखने पहुंच जाते हैं। इसी बीच जब पुलिस की बात आती है, जैसे पुलिस को इस बात की जानकारी लगती है कि मंदिर के अंदर ऐसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो पुलिस भी फौरन मौके वारदात पर पहुँचती है। अब जैसे ही मंदिर के अंदर पहुँचती है तो देखती है, दूल्हा जो देखता है कि पुलिस आई है, वो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अब इस पूरे मामले पर जो बबीता है उसने ये चीज़ बोली है और मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये चीज़ आई है कि बबीता ने बताया है कि प्रताड़ित करके घर जाने के लिए ये भी उससे कह दिया था, और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो रसगुल्ले और चावल में जहर दिया था उसे, लेकिन वो किसी तरह से बच गई। आगे बबीता बोलती है कि मैंने अपने मायके जाने से मना कर दिया था और इन लोगों ने पुलिस के सामने लिख कर दिया था कि 15 दिन में वो विदा करके इसे वापस मायके से ससुराल लेकर आ जाएंगे, लेकिन इसी बीच ये अपने बेटे की दूसरी शादी करने लगे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच कर रही है। आपको इस तरीके की कहानी और एक पति के सिर्फ इस वजह से दूसरी शादी करना कि उसकी बीवी के सफ़ेद बाल हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।